नमस्कार, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूँ। आइए इस वीडियो में बात करते हैं ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताएंगे, ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड क्या काम करती है, कहाँ से इसको इनकम आता है, साथ ही बताएंगे इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अभी जीएमपी क्या चल रहा है, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा इस आईपीओ में, सारा डिटेल्स बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले कंपनी के बारे में बताते हैं, ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड क्या काम करती है। तो ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड एक हॉस्पिटल है जिसमें कि अभी आपका जो है नॉर्थ ईस्ट में एक जो है ये पॉपुलर ब्रांड है, जो कि मेदंता के नाम से, मेदंता हॉस्पिटल के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका जो करंटली में अभी है आपका दिल्ली एनसीआर है, नोएडा में एक जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद जो है आपका पटना, रांची, लखनऊ, ये सब में अभी जो है इसका जो है हॉस्पिटल चालू है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है गुरुग्राम, दिल्ली, इंदौर, रांची, लखनऊ, पटना एंड एक जो है हॉस्पिटल ये नोएडा में भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि ये चालू हो जाएगा। इसका अगर यदि बात करते हैं तो जो पूरा जो है 1300 डॉक्टर का इसका चयन है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं 4.7 मिलियन स्क्वायर फीट में जो है इसका हॉस्पिटल का जो है एरिया है। उसके बाद जो बेड है 2467 बेड के साथ में जो है ये इंडिया में सर्विस देती है। तो इसका जो मेन सर्विस अगर यदि देखते हैं तो दिल्ली एनसीआर है, एमपी है, यूपी है, बिहार, झारखंड में इसका जो है मेन पकड़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस एरिया में अभी ये कंपनी अपना हॉस्पिटल सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसी से कंपनी को जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। तो देख सकते हैं ये एक फेमस ब्रांड है आपका हॉस्पिटल है, ये मेदंता जो है नॉर्थ ईस्ट में एक ये फेमस हॉस्पिटल है। आप देख सकते हैं इसको मेदंता ब्रांड से जो है ये हॉस्पिटल आपको मिलेगा। तो जो ये जो है ये ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड इसको चलाती है, आप देख सकते हैं। तो ये सारा डिटेल्स है इसके बारे में। तो इसका जो मेन व्यवसाय है वो हॉस्पिटल का है, उसी से इस कंपनी को रेवेन्यू आता है। तो चलिए इस आईपीओ के बारे में बताते हैं, पूरा डिटेल्स आपको बताते हैं। इसका अगर यदि बात करते हैं तो ये 2004 से ही इस सेक्टर में ये जो है हेल्थ सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसका जो है सारा डिटेल्स आपको बताते हैं। तो आईपीओ का जो है डिटेल्स जो है, इस आईपीओ का जो अमाउंट है टोटल 2206 करोड़ का है ये टोटल आईपीओ अमाउंट। उसके बाद जो है इसका जो ओपन डेट है 3 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में ये ओपन है, तो इस बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फेस वैल्यू जो है 2 रुपया फेस वैल्यू है, और प्राइस जो प्राइस रेंज है बिड प्राइस जो है 319 से 336 के बीच में रखा गया है, तो इस बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और लॉट साइज़ की बात करते हैं तो 44 शेयर का इसका लॉट साइज़ है। अब चलिए आपको पूरा टाइम लाइन जो है उसको बताते हैं, ये टेंटेटिव डेट है आप देख सकते हैं। तो अप्लाई का जो डेट है वो 3 नवंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद जो क्लोज का डेट है 7 नवंबर को ये बंद हो जाएगा, यानी कि 3 से 7 के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें 3 से 7 नवंबर के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट का जो डेट है 11 नवंबर को है, उसके बाद जो रिफंड का है 14 नवंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा यदि इस आईपीओ में आपको नहीं मिलता है। और जो है आपका यदि आपको अलॉट हो जाता है तो 15 नवंबर को आपको डीमैट अकाउंट में आपका जो शेयर होता है वो आपको, यदि 1 लॉट मिलता है तो आपका वो डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और अगर यदि लिस्टिंग का बात करते हैं तो ये 16 नवंबर को ये लिस्ट हो जाएगा, उसके बाद जो है आप इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग कर सकते हैं। यदि आपको आईपीओ मिलता है तो उसको आप सेल कर सकते हैं, या फिर अगर यदि नॉर्मल अगर यदि बाय करना चाहते हैं स्टॉक को तो उसको बाय कर सकते हैं। ऑफर ब्रेकअप का अगर यदि बात करते हैं तो 50% जो है QIB के लिए रखा गया है, उसके बाद NIB पोर्सन के लिए 15% रिजर्व रखा गया है, और जो रिटेल है रिटेल इंडिविजुअल के लिए जो है 35% यहाँ पर रखा गया है, यानी कि अच्छा खासा इसमें जो है इंडिविजुअल को मौका मिलने वाला है। तो ये तो हो गया सारा डिटेल्स। अब चलिए जानते हैं कि ये कंपनी जो है ये आईपीओ क्यों लेके आई है। तो इसका जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है 2 सब्सिडरी कंपनी जो है इसका उसमें ये इन्वेस्टमेंट करने वाली है। देख सकते हैं एक जो कंपनी है GHPPL है एंड MHPL, ये दोनों जो है इसी कंपनी का एक सब्सिडरी कंपनी है ये दोनों, तो जो है इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इसमें जो डेप्ट है उसका उसको पे करने वाला है, रिपेमेंट करने वाला है, कुछ लोन है उसको यहाँ पर जो है ये ब्रोई है उसको जो है ये पेमेंट करने वाला है। देख सकते हैं रीपेमेंट और जो है प्री पे कुछ करने वाला है कंपनी दोनों को चालू करने के लिए, या फिर चालू है तो उसको जो है इस्टेब्लिश करने के लिए ये सारा चीज़ करने वाला है, इन्वेस्टमेंट करने वाला है। उसके बाद जनरल कॉरपोरेट पर्पस है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है इसका जो मेन पर्पस है यहाँ जो स्टॉक एक्सचेंज का लाभ लेने का जो है यहाँ पर देख सकते हैं, और जो जो कंपनी जो है इसको विजिबल बनाने के लिए यहाँ पर लिस्ट करने के लिए इसको लाया गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब जो है इसका फाइनेंशियल डाटा को देख लेते हैं। तो यदि इसका देखते हैं तो अभी जो है ये लगातार देखिए ये प्रॉफिट में है, एक भी साल में ये जो है कंपनी अभी लॉस में नहीं है, ये हॉस्पिटल अभी लॉस में नहीं है, आप देख सकते हैं लगातार प्रॉफिट कर रही है।
यदि एसेट का बात करते हैं तो 2666 करोड़ का एसेट है इस कंपनी का 2020 में। 2021 का बात करते हैं तो 2694 करोड़ का यहाँ पर देखिए थोड़ा एसेट बढ़ा है कंपनी का। और अगर 2022 में देखते हैं तो और कंपनी का एसेट यहाँ बढ़ा है 3146 करोड़ हो गया। ये सारा अमाउंट जो है करोड़ में है आप देख सकते हैं। उसके बाद जो रेवेन्यू का यदि बात करते हैं तो 2020 में 1544 करोड़ का रेवेन्यू अर्जित किया था इस कंपनी ने देख सकते हैं। उसके बाद 2021 का बात करते हैं तो 1478 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर अर्जित किया था। और 2022 का बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पर जो है रेवेन्यू कंपनी को मिला है 2206 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने रेवेन्यू अर्जित किया है। चलिए अब प्रॉफिट का बात करते हैं तो यहाँ 2020 में 36 करोड़ का इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। 2021 का यदि बात करते हैं तो 29 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद 2020 का बात करते हैं तो 196 करोड़ का यहाँ पर देख सकते हैं ज़बरदस्त यहाँ पर जो है प्रॉफिट में उछाल आया है देख सकते हैं 196 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। यदि इसका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ERHP फाइल DRHP फाइल इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, सारा डिटेल्स भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये है एक हॉस्पिटल है, अगर यदि आप इसमें अगर यदि इसका IPO अगर यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर अगर यदि इसका अगर यदि आप GMP देखते हैं, अगर यदि आज का GMP देखते हैं तो यहाँ पर 25 रुपया है देख सकते हैं। तो अगर यदि 25 रुपया GMP रहता है तो इसमें आपको जो है 5% यहाँ पर प्रॉफिट अभी दिख रहा है इस GMP के हिसाब से आप देख सकते हैं। 25 रुपये का यहाँ पर GMP है, अगर यदि 25 रुपये का GMP रहता है तो यहाँ पर अगर यदि मान लीजिए मैक्स प्राइस में भी अप्लाई ये अगर यदि आपको मिलता है अलॉटमेंट होता है 336 में, तो फिर भी यहाँ पर जो है आपको 4 से 5% यहाँ पर अभी प्रॉफिट दिख रहा है इस IPO में। तो इस IPO में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें जो है इसमें जो ये 5% लगभग आपको प्रॉफिट हो सकता है। आप देख सकते हैं 25 रुपये का अभी GMP इसमें आज अभी दिख रहा है। तो यही सारा डिटेल्स था इस IPO के बारे में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।